सतना में शराब कंपनी के मैनेजर सहित दो लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या से इलाके में दहशत का माहौल, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। धार्मिक नगरी चित्रकूट में दिन दहाड़े दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नयागांव थाना क्षेत्र के चित्रकूट की गुप्त गोदावरी के पास की है। जिन लोगों की हत्या की गई वह शराब कंपनी के मैनेजर और महिला सहयोगी थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि चित्रकूट में गुप्त गोदावरी के रजौला ग्राम पड़हा में अज्ञात बदमाशों ने दो लोगों की हत्या कर दी। एसपी के मुताबिक शराब कंपनी के मैनेजर अनुज दीक्षित अपनी महिला सहयोगी के साथ कार में सवार होकर सतना से चित्रकूट की ओर जा रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब 3 बजे सतना चित्रकूट मार्ग में गुप्त गोदावरी के 1 किलोमीटर पहले ही पड़हा मोड़ के पास अज्ञात आरोपियों ने कार सवार दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंचे सतना एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नयागांव में पहली दुर्घटना है जिसमें मृतकों के एक्सीडेंट के बाद उनके साथ 302 हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना बड़ी होने की वजह से फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए बुलाई गई है। मामले की जांच के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो पाएगा। पुलिस की टीमें इस घटना की जांच में जुट गई है। भाटिया ग्रुप शराब कंपनी के मैनेजर अनुज दीक्षित उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले थे, साथ ही उनके साथ महिला सहयोगी सतना शहर की अमौधा की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नयागांव थाना पुलिस पहुंच गई। वहीं इस दोहरे हत्याकांड की सूचना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई है। जानकारी मिलते ही सतना जिले के एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार जैन घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया। विंध्य किरण के लिए सतना से चेतन गर्ग की रिपोर्ट। नयागांव थाना क्षेत्र की घटना है। नयागांव थाना से सतना रोड पर गुप्त गोदावरी से 1 किलोमीटर पहले की घटना है। थाने पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। जब पुलिस यहां पर पहुंची है तो उन्होंने ये पाया कि एक्सीडेंट के बाद उनके साथ 302 की घटना की गई है। इसमें एक महिला है और एक पुरुष है, दोनों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के कारणों का जो घटना के कारण है उसका पता लगाया जा रहा है। FSL टीम वगैरह भी घटनास्थल पर आ रही है। तमाम इंक्वायरी के बाद यहाँ से जो है पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जाएगी। उसके बाद इसके पहले हम लोगों ने जो है टीमें रवाना कर दी हैं इस घटना की जानकारी पता लगाने के लिए। जैसे ही जानकारी खुलेगी आपको बताया जाएगा।